हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ होंगे। आज है मंडे और जो कल का शूट है वो थोड़ा सा कम हुआ था, तो इसलिए आज वीडियो आएगी नहीं। मतलब ये वाली वीडियो आएगी बट वो वाली वीडियो नहीं आएगी। सुबह मॉर्निंग में हमने जो है वो ब्रेकफास्ट कर लिया था, अभी नहा के मैंने पूजा वूजा कर ली है और पीछे जो है गोलू अभी खा रही है प्रसाद, क्योंकि मंदिर में जो है वो माता रानी का प्रसाद रखा हुआ था, तो वही वो गोलू जो है वो उसी का ही प्रसाद खा रही है। मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट जो है वीडियो का अच्छा लगा। और ये देखिए, मैं जो है थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, ये वाला थोड़ा सा लूज पहन रखा है मैंने, देखिए मैं हो गई हूँ थोड़ी सी पतली। और ये वाली जो शॉर्ट्स और ये टॉप है ये मैं लाई थी वेस्ट साइड से, कैसा लग रहा है इसका भी कमेंट करके बताइएगा। यस, ऑलवेज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बातें करती है ये। तो ये वाला जो है शॉर्ट्स और जो टी शर्ट है ये वाली मैं लाई थी वेस्ट साइड से, आपने व्लॉग में देखा भी होगा, मैंने दिखाया था आपको। थोड़ी सी रील्स बनाते हैं देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए अभी बना लेती हूँ लंच, मेरा भी बना लेती हूँ और उनका भी बना लेती हूँ, क्योंकि उनकी चल रही है ट्रेनिंग सुबह से, तो सुबह से सिर्फ उन्होंने शेक पी है, अभी कुछ नहीं खाया है। दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा वो कर रहे हैं काम और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने। तो सबसे पहले जो है वो मैं खा लेती हूँ ककड़ी, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। ककड़ी में कैलोरीज जो है वो बहुत कम होती है और मेरी तो मोस्ट फेवरेट है, तो मैं गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ककड़ी खाती हूँ, आपने वीडियोस में देखा भी होगा। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरा और गोलू का बनाना शेक, क्योंकि उनको लगेगा टाइम। तो यहाँ पे जो गोलू मुझे है वो कड़वी वाली ककड़ी खिला रही है, क्योंकि उस दिन मैंने इसको खिलाया था, तो ये कह रही है मम्मा आज आप भी कड़वी ककड़ी खा के देखो। और ये कह रही है मेरा प्रैंक जो है वो पूरा हो गया है। अभी मैं बनाऊंगी बनाना शेक। बनाना शेक में मैं कैसे बनाती हूँ आज वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो इसमें बनाना शेक में मैं क्या करती हूँ, पहले डालती हूँ दो बनाना, देन उसके बाद मैं डालती हूँ आइस क्यूब्स, देन दूध डाल के इसमें, देन उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें पीनट बटर, क्योंकि पीनट बटर में जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और हमें गर्ल्स को तो प्रोटीन वैसे भी खाना चाहिए। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि पीनट बटर मेरा मोस्ट फेवरेट है, और ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है बट डॉक्टर ओटकर का ही मैं जो पीनट बटर है वो यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद यहाँ बना रही हूँ मैं सेव की सब्जी आज, जो मैं खाटू श्याम जी गई थी घूमने, तो वहाँ से जो है वो मैं सेव लेके आई थी, उसकी सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने घी में डाल दिया है जीरा और लहसुन, इसमें मैं ऐसे ही कट कर देती हूँ, बहुत ही जल्दी जो है वो मैं खाना बना लेती हूँ। मैं साथ के साथ ही कट करती हूँ, मैं ऐसे कट करके नहीं रखती हूँ, साथ के साथ कट करके, और देन उसके बाद मेरी जो सब्जी है वो जल्दी बन जाती है, काम मैं बहुत जल्दी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले डाला जीरा, देन उसमें चॉप्ड मैंने गार्लिक डाला, लहसुन, देन उसके बाद मैंने डाला इसमें प्याज, और यहाँ पे फिर से मैं कट कर रही हूँ टमाटर। जैसे कि मैंने बताया मैं साथ साथ ही कट करती हूँ सारी चीज़ें, और मैंने दो टमाटर कट करे हैं और दो टमाटर जो है वो कद्दूकस कर लेंगे हम, इससे क्या आएगा सब्जी का टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। मैं सब्जी जो है वो विदाउट प्याज भी बनाती हूँ, बट ये वाली आज जो सब्जी मैंने बनाई है वो मैंने प्याज और टमाटर दोनों यूज़ करे हैं। कुछ लोग टमाटर और सेव की सब्जी बनाते होंगे, वो भी बहुत टेस्टी बनती है, वो भी मैं बनाती हूँ। सेव की सब्जी मैं दो तरीके से बनाती हूँ। देन इसके बाद मैंने डाल दिए टमाटर, और अभी मैं डाल दूंगी इसमें जो है मसाले। मसाले में मैं डालूंगी हल्दी, सूखा धनिया और ये लाल मिर्च मेरी जो है वो डाल दूंगी। हरी मिर्च मैं इसमें आज नहीं डालूंगी, क्योंकि सेव में भी थोड़ी सी तीखापन होता है, तो मैं इसमें नहीं डालूंगी सेव। तो यहाँ पे डाल दूंगी मैं फिर जो हमने कद्दूकस करे थे जो हमारे टमाटर हैं उनको भी मैं इसमें डाल दूंगी, और जो ये मसाला है इसको हम 5 मिनट के लिए अच्छे से जो है वो भून लेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो कच्चा ना रहे। देन इसमें डाल दूंगी मैं हमारा नमक, और इसको अच्छे से हम 5 मिनट के लिए इसको बनने देंगे। देन उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हमारी सेव। तो ये देखिए सेव जो है, ये वाली सेव जो मैं लेके आई थी खाटू श्याम जी से, तो ये डाल दूंगी मैं एक कटोरी। मैं एक्चुअली गोलू का और गोलू के पापा की ही सब्जी बना रही हूँ, मैं नहीं लूंगी सब्जी, इसीलिए मैंने सब्जी बहुत कम बनाई है। सेव की सब्जी जो है वो मैंने बना दी है, ये देखिए
सेव की सब्जी हमारी बन गई है। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ रायता, बूंदी का रायता बना रही हूँ अभी। ये देखिए, ये बन गई है मेरी सेव की सब्जी। यहाँ पे सैलेड मैंने कट कर दिया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी रायता। रायते में कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ थोड़ी सी पालक उबाल के रखी थी वो डालिए, दही डालिए और थोड़ी सी डालूंगी बूंदी, क्योंकि गोलू को पसंद है बूंदी रायते में। तो मैं कोई भी रायता बनाऊँ उसमें थोड़ी सी बूंदी जो है ऊपर से डाल देती हूँ ताकि वो खा ले। और इसमें मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला है और थोड़ी सी मेथी डाली है। दैट्स इट, बस ये हो गया हमारा। अभी फटाफट जो है वो रोटी मैं बना दूंगी। और गर्मी से हो गई मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब, बहुत ही ज़्यादा। तो बीच बीच में पानी पीते रहें क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। मैं जो है 3 से 3.5 लीटर पानी पीती ही पीती हूँ। तो शेक हमारा बन गया है। इसमें डाल दूंगी मैं हमारी चिया सीड्स, जो कि मैं 1 स्पून इसके साथ लेती ही लेती हूँ। एंड ये रेडी हो गया है मेरा शेक। तो गोलू के पापा को तो लगेगा टाइम, तो हम जब तक ले लेते हैं अपना शेक, मैं और गोलू। चीयर्स पार्टनर इन क्राइम। हम माँ बेटी दोनों यहाँ बैठे रहते हैं, उनकी जब कॉल मतलब ट्रेनिंग चल रही होती है, ट्रेनिंग देते हैं एक्चुअल में ये, तो इनकी जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो वो उस रूम में होते हैं और हम दोनों जो है बेडरूम में यहाँ पे अकेले होते हैं। कभी टीवी देखते हैं, कभी फोन देखते हैं। यू मिस पापा? ये तो इसलिए मिस करती है क्योंकि ये कुछ शैतानी करती है, पापा डांटते नहीं और मैं डांट देती हूँ, है ना। कैसे लगा आपको शेक? ओके, मैं स्पून देती हूँ। ये देखिए, और ये बाल कैसे कर रखे हैं चुनो आपने? मैंने आपके वो करा था, हेयर स्टाइल बनाया था, आपने निकाल दिया? पापा देखा, ये क्या है? ये किसकी सब्जी उलाई है? ये सेव की सब्जी है ये। यार वही वाली मिर्ची वाली हमारे से नहीं खाई जाएगी मम्मा। खाई जाएगी बेटा, मिर्ची वाली है मम्मा। मिर्ची वाली है। तू क्या करूंगी? तो मैंने कर लिया था लंच में, मैंने शेक पिया था और इस बच्चे ने भी वैसे शेक पिया था, बट फिर भी ये खाएगी खाना और वहां पे ही खा रहे खाना। कैसे बना है ये पता नहीं, अपने ही टेंशन में रहते हैं। कैसे बना है? कैसे बना है? मैं तो मम्मा का ख्याल रखूंगा। कैसे बना है? मैं तो मम्मा का ख्याल रखूंगा, अपना ख्याल ही रखूंगा। इवनिंग 7 बज गए हैं, अभी दी और जीजू आने वाले हैं। 1 घंटे पहले उन्होंने फोन करा था कि वो आ रहे हैं, चाय चढ़ा दो। तो मैंने चाय जो है वो तभी चढ़ा दी थी और वो अभी तक नहीं आए। चाय उबल उबल के जो है वो बिल्कुल पागल हो गई है। तो अभी दी और जी जो आएंगे थोड़ी देर में। अभी मैंने दोबारा कॉल करा था तो कह रहे थे कि 5 मिनट में हम आ ही रहे हैं। तो लेट्स सी कि उनकी 5 मिनट कितनी देर में होती है। बट मेरा तो गर्मी से हाल जो है वो बेहाल हो रखा है, पता नहीं। पिछले बार तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बट अब के बार तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। किचन में जब काम करती हूँ ना तो ऐसे फुक जाती हूँ अंदर से, और स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है और देखो टैनिंग भी हो गई है थोड़ी थोड़ी, हाथ भी काले हो गए थोड़े से। तो चलिए, वेट करने के अलावा हमारे पास कोई काम है नहीं, तो हम अब वेट करते हैं उनका, तब वो आएंगे, देन उसके बाद ही चाय पियेंगे। और ये देखो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ये उजड़ा चमन जिसके बाल लंबे इसने नहीं बांध रखे, एक उजड़ा चमन वो जिसके बाल छोटे बट उन्होंने कॉम नहीं कर रखी। कहाँ हो गए मेरे बच्चे? मेरे बच्चे कहाँ हो गया? हाँ
आपकी बच्चे की काम करनी पड़ेगी। हेलो 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 हाय, व्हाट्स गोइंग ऑन? नथिंग गोइंग ऑन, वेटिंग फॉर यू। यू आर लुकिंग क्यूट, स्मार्ट, सेक्सी और थैंक यू। गोलू गाँव में चले गए जीजू। जान बुझ के कर रही है। अभी हमारे साथ क्या हुआ ना, हम नीचे चले गए, इसने जिद्दी करी, लाइट गई हुई है और इसने जिद्दी करी कि नीचे जाना है मासूर को छोड़ने। तो लाइट वैसे दो तीन मिनट में आ जाती है, आई डोंट नो क्यों नहीं आई। और हमारा एक्चुअली जो लिफ्ट वाली लाइट है वो सेंसर वाली है, तो जब हम आ रहे थे तो जल नहीं रही थी, तो एकदम से ऐसे हुआ बिल्कुल ही, बहुत ही ज्यादा, और मुश्किल से ऊपर आए, नहीं तो आज मेरे तो हार्ट अटैक आ जाता। अंधेरे से इतना ज्यादा डर लगता है मुझे तो। मुझे भी, मुझे से। और आपने ही करा गोलू ऐसा आज। तो चलिए, दी और जीजू जा चुके हैं, तो इस व्लॉग का यही करते हैं एंड, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। और इंस्टाग्राम की जो रील्स है वो भी देखना मत भूलना, बहुत ही अच्छी रील्स बनाई है आज मैंने। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, बाय बाय।